पुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह क्या वाकई में ही बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? आसनसोल से जिस तरीके से टिकट उन्होंने वापसी किया है उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में ही पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? क्या मोदी के चुनावी रैली के लिए, जी हाँ, क्या मोदी के चुनावी रैली के लिए पवन सिंह वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं? क्या सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में ही निरहुआ ने जिस तरीके से, जी हाँ, निरहुआ ने जिस तरीके से पवन सिंह का टिकट वापसी होने के बावजूद उन्होंने कहा कि यह उनका निजी मामला है, और जिस तरीके से रवि किशन ने निरहुआ के पवन सिंह के सवाल पर हर हर महादेव कहकर सवाल को ही टाल दिया, क्या वाकई में ही ये दोनों सुपरस्टारों के लिए, जी हाँ, और तीसरा सुपरस्टार यानी कि मनोज तिवारी ने भी पवन सिंह का साथ नहीं दिया, क्या ये तीनों सुपरस्टारों के लिए पवन सिंह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? क्या जिस तरीके से गोरखपुर में पवन सिंह ने चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जिस तरीके से निरहुआ के लिए आजमगढ़ जाकर आजमगढ़ के गलियों में वोट मांगते हुए पवन सिंह नजर आए, अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ को वोट करने के लिए अपील करते हुए जिस तरीके से पवन सिंह नजर आए थे, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, क्या भी पवन सिंह बीजेपी में जुड़े हुए हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह ने बीजेपी के लिए जमकर चुनावी प्रचार किया था, जिस तरीके से वो संबोधन किया है, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर हिमाचल हो, हर जगह हो, बिहार हो या फिर यूपी हो, जी हाँ, हर जगह पर पवन सिंह स्टार प्रचारक कहे जाते थे, और स्टार प्रचारक हमेशा अपने पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार करता है। लेकिन इस बार आसनसोल से जब से उनका टिकट वापसी हुआ है, जिस तरीके से वो फिर से बाबुल सुप्रियो पर एक्टिव भी हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर से मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है, यानी कि थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ गया है। लेकिन अभी तक आसनसोल से कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा ये अभी तक खाली पड़ा है। क्या वाकई में ही पवन सिंह को दोबारा टिकट दिया जाएगा? क्या दोबारा में पवन सिंह उसी जोश, उसी एकदम दबदबे से के साथ निरहुआ के लिए, मनोज तिवारी के लिए, रवि किशन के लिए गलियों में जाकर वोट मांगते हुए, यानी कि यूं कहें तो नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे? ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई में ही पवन सिंह सभी चीज़ों को भूलकर, यानी कि यूं कहें उनका माँ का सपना भूलकर, वो फिर से बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।